बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव पर भारी मुसीबत आन पड़ी है। दरअसल एल्विश के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई है। गौरतलब है कि बिग बॉस ओटीटी के विनर पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें क्लब और पार्टियों में सांप से कटवाना भी शामिल है। सूत्रों की माने तो पीएफ टीम ने नोएडा के सेक्टर 39 में एक पार्टी में छापा मारा और कोबरा सांप और सांप का जहर बरामद किया गया। फिलहाल इस पार्टी में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में मुख्य आरोपी बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव हैं। दरअसल एल्विश यादव पर नोएडा और एनसीआर में हाई प्रोफाइल सांप काटने के कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप लगा है। नोएडा के सेक्टर 49 थाने में एल्विश समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पता चला है कि एल्विश यादव एनसीआर में फार्म हाउस की रेप पार्टी में जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट करते हैं, जिसके चलते एल्विश यादव को मुख्य आरोपी बताया गया है। वहीं अब इस मामले में एल्विश यादव ने सफाई दी है। उन्होंने बकायदा इंस्टाग्राम वीडियो शेयर किया है। दरअसल एल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक वीडियो शेयर किया है और शेयर करते हुए वह उसमें कहते नजर आ रहे हैं कि हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका एल्विश यादव। मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज फैली हुई है मेरे खिलाफ। मीडिया में न्यूज फैली है कि एल्विश यादव अरेस्ट हो गए हैं। एल्विश नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए हैं। मुझ पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है, सारे फेक है, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। इतना ही नहीं, इसके आगे एल्विश ने कहा कि मैं यूपी पुलिस के साथ पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ। मैं यूपी पुलिस प्रशासन और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी 1% भी अगर इसमें गलती मिलती है तो मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। साथ ही एल्विश ने मीडिया से गुजारिश की है और कहा है कि मीडिया से यह गुजारिश है कि जो कुछ भी आप लिख रहे हो उसमें जब तक ठोस सबूत ना मिल जाए, प्लीज मेरा नाम खराब ना करें। अगर यह आरोप साबित होते हैं तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। इन आरोपों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 20 मिलीलीटर जहर और 9 जिंदा सांप बरामद किए गए हैं। सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं। फिलहाल पॉलिटिशियंस और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने एल्विश यादव की गिरफ्तारी की मांग की है।